हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी वीडियो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप इसे एक तरह से चैलेंज भी कह सकते हैं। ये एक मेकअप चैलेंज करने जा रही हूँ मैं। ओनली 5 मेकअप ब्रशेज की हेल्प से आप अपने फेस का पूरा मेकअप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी बिगिनर्स के लिए भी और टीनेजर्स के लिए भी, और खासतौर से उन लोगों के लिए भी जो कि मेकअप सीख रही हैं या सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी मेकअप करना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे हाथ में है ये 5 मेकअप ब्रशेस। आज मैं इन्हीं 5 मेकअप ब्रशेस की हेल्प से अपने फेस का ये पूरा मेकअप करने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फाउंडेशन ब्रश की, और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त ये फ्लफी सा स्मॉल ब्रश, और आप देख सकते हैं इसके ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट है, और मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए 1.5 साल हो चुका है। जी हाँ, मुझे 1.5 ईयर्स हो चुका है। और इसके ब्रिसल्स की सबसे खास बात यह है कि आज तक इसके ब्रिसल्स कभी भी फॉल आउट नहीं हुए हैं, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट भी हैं। और मैं इसे काफी बार वॉश भी कर चुकी हूँ, बहुत ही ईजिली ये वॉश हो जाता है, बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। और देखिये कितने सॉफ्ट है इसके ब्रिसल्स, और आज तक ये ब्रिसल्स ऐसे कैसे हैं। तो मुझे ये ब्रश बहुत ज्यादा पसंद आई है। इन ब्रशेस का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने मेकअप की शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से, और फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस मेकअप ब्रश की हेल्प से आप अपना फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, कोई बीबी क्रीम हो या सीसी क्रीम हो वो भी लगा सकते हैं, और इसलिए आप अपने फेस को कंटूर भी कर सकते हैं। आप इसके हेल्प से अपने ब्लश भी लगा सकते हैं अपने फेस पर, और हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। देखिए, दुनिया भर में न जाने पता नहीं कितने मेकअप ब्रशेज हैं, क्योंकि सबके बारे में तो मैं भी नहीं जानती होंगी, बट जितने मेरे पास है और जितने मुझे मालूम है इनके बारे में तो मैं आपको बता ही दूंगी ऑफकोर्स। तो जरूरी नहीं होता कि आपको बहुत सारे मेकअप ब्रशेज लेने की जरूरत है, यानी कि हर एक स्टेप के लिए आपको अलग अलग मेकअप ब्रशेज की जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। और ये काफी हद तक हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है कि हम मेकअप ब्रशेज को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं या सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक और ऑप्शन देना चाहूंगी, ये है, आप देख सकते हैं ये भी एक फ्लैट सा ब्रश है। ये फ्लैट ब्रश भी बहुत ही काम का है गाइस। जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग ब्रश लेने हैं, तो आप इसकी हेल्प से भी कोई भी बीबी क्रीम हो, सीसी क्रीम हो, फाउंडेशन हो, आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस ब्रश की ये लगती है कि आप इससे अपना कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और अगर अपनी आईब्रोज को शार्प दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी आईब्रोज को क्लीन कर सकते हैं, ये देखिए शार्प दिखा सकते हैं। तो ये मेकअप ब्रश मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी काफी सारे इस्तेमाल है कर सकते हैं आप, क्योंकि इससे आप अपने फेस को कंटूर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और आप चाहें तो हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, और फाउंडेशन तो ऑफकोर्स आप लगा ही सकते हैं। तो ये मेकअप ब्रश मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैं इसका एक और हैक आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी लिपस्टिक एक्स्ट्रा बाहर निकल गई है तो आप इस तरीके से क्लीन करते हुए भी इसका यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक ब्रश है। अगर आपके पास ये वाला ब्रश नहीं है तो आप ये वाला ब्रश भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। और अदरवाइज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी आप एक ब्रश ले सकते हैं, इसके भी काफी सारे फायदे हैं। और अब मैं इन्हीं मेकअप ब्रशेस की हेल्प से आपको अपने फेस का पूरा मेकअप कर दिखाती हूँ, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कौन सा मेकअप ब्रशेस इस्तेमाल करना है अपने फेस के, कौन से मेकअप के लिए आपको कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले फाउंडेशन लगा लूंगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस ब्रश की हेल्प से भी फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी फाउंडेशन, बीबी क्रीम हो या सीसी क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज पर। वैसे तो आप चाहें कंसीलर फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको ब्रश की हेल्प से लगाकर भी दिखा देती हूँ। तो कंसीलर के लिए मैंने आपको ये वाला ब्रश बताया है, ये अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर पाउडर से अपने फाउंडेशन को और कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूंगी, और इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से ही मैं इसे सेट कर लूंगी, अलग से आपको एक्स्ट्रा ब्रश लेने की जरूरत नहीं होगी। Thank you.
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आईज मेकअप की। मैंने फाउंडेशन भी लगा लिया है और कंसीलर भी सेट कर लिया अच्छे से। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आई मेकअप की, और आई मेकअप के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ब्रश होता है वो होता है ये फ्लफी ब्रश, आप देख सकते हैं। तो ये फ्लफी ब्रश आपको चाहिए अपने आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए, कुछ इस तरह से ब्लेंड होना चाहिए। और जरूरी नहीं है जिस ब्रांड की मेरे पास हो उसी ब्रांड की या सेम कंपनी की आप भी लें, तो आप किसी भी अदर ब्रांड की यूज कर सकते हैं। बट आपके पास इसी तरह का आई शेडो ब्रश होना चाहिए जो कि ऊपर से कुछ इस तरह से फ्लफी हो, और जितना ज्यादा ये फ्लफी होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतना इजिली आपके जो आई शेडो को ये ब्लेंड कर पाएगा और बहुत ही नाइसली ब्लेंड करेगा। इसकी हेल्प से आप अपने कोई भी आई शेडो का कलर हो, ट्रांजिशन कलर हो, या कोई और अदर आप कलर लगाना चाहते हैं तो वो भी इजिली लगा सकते हैं और ब्लेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने आई शेडो को इजिली ब्लेंड कर दिखाती हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पिंक कलर का शेड ले लूंगी, एज अ ट्रांजिशन कलर लूंगी मैं इसे, और आपने तब तक ब्लेंड करना है जब तक आपको आपका एग्जैक्ट कलर नहीं मिल जाता आई शेडो का। नेक्स्ट मैं ये बगंडी कलर का शेड ले रही हूँ, इसे आउटर वी पर लगा लूंगी मैं। कुछ इस तरह से अपने आपने आउटर वी पर इस डार्क कलर को रखना है और फिर उसे आगे की तरफ करते हुए ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं मैंने अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं एक बहुत ही खास एक मेकअप ब्रश की बात करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं फ्लैट ब्रश है, बिल्कुल फ्लैट ब्रश है ये देखिए। और ये गाइस इतना अच्छा ब्रश है ना, इसके जितने भी गुण मैं आपसे गिनवाऊ ना, जितने फायदे गिनवाऊ उतने कम है, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का ब्रश है और बहुत सारे फायदे हैं, बहुत तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप अपना शिमर आई शेडो लगा सकते हैं, ग्लिटर्स लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं तो। सबसे बड़ी बात, आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। और एक और इसका फायदा ये है कि अगर आप अपने विंग आईलाइनर को लगाना चाहते हैं तो इस तरह से मार्क करके आप अपने विंग आईलाइनर को भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसके देखा आपने कितने सारे फायदे हैं, इससे आप अपनी आईब्रोज को यू नो कंसीलर की हेल्प से शार्प कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर दिखाती हूँ। डिफरेंस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये आईब्रोज को फिल करता है। तो ये देखिए मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है, और इसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं शिमर लगा लूंगी अपनी आईज पर। और मैं यहाँ पर ये मेकअप फिक्सर स्प्रे कर रही हूँ, तो अब मैं अपनी आईज पर शिमर लगा लूंगी। तो चलिए देखिए मैंने शिमर आई शेडो लगा लिया है। अब मैं नेक्स्ट एक और ब्रश की बात कर रही हूँ, लास्ट ब्रश है ये मेरा। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से पेंसिल ब्रश है ये देखिए, और इसकी हेल्प से आप अपने आईलाइनर को ड्रॉ कर सकते हैं, आप जेल आईलाइनर लगा सकते हैं, और हल्के हल्के स्ट्रोक में अगर अपनी आईब्रोज को फिल करना चाहते हैं तो आईब्रोज को भी फिल कर सकते हैं, और विंड आईलाइनर भी इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, और इसकी हेल्प से आप अपना हाईलाइटर भी लगा सकते हैं इनर कॉर्नर्स में। तो ये भी बहुत ही कमाल का ब्रश है, कुछ इस तरह का ब्रश भी आपके पास ये होना ही चाहिए। तो चलिए मैं इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से आपको ये जेल आईलाइनर लगाकर दिखाती हूँ। ये म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर है, और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपने पेंसिल ब्रश को क्लीन कर लिया है, ताकि मेरे इनर कॉर्नर में जब मैं हाइलाइटर लगाऊं तो इसमें ब्लैक कलर जो मैंने लगाया था वो दिखाई ना दे। और हाइलाइटर मैंने यही लगाया जो मैंने शिमर आई शेडो लगाया था अपनी आईज पर, तो इससे मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया आप देख सकते हैं। और अब मैं इसी फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपना ब्लश भी लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं आप ये देख सकते हैं कंसीलर ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को कंटूर कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने इसी फ्लफी ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर भी लगा लिया है। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि आप 5 मेकअप ब्रशेस की हेल्प से भी अपने फेस का पूरा मेकअप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको पता हो कि आप किस किस तरीके से इन मेकअप ब्रशेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको मेरी आज का ये मेकअप चैलेंज या ये मेकअप
वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ भी, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूं और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।